हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व की थी, इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कि प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन में इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्या गिवन होना चाहिए। तो ए प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली इफ एनी वन द फॉलोइंग इज नाउ, यदि इन तीनों में से एनी वन कोई भी हमारे पास केसेस गिवन हो तो हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है द नॉर्मल ऑफ द टू प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस, फॉर्म ऑफ ओरिजन इज गिवन, इम्प्लाइज इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म, इसके सेकंड है इट पासिस थ्रू ए पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू गिवन, कोई प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर इज एक गिवन डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन। थर्ड है इट पासिस थ्रू थ्री गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट, यदि कोई प्लेन थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास हो रहा हो। अब स्टूडेंट, हेयर हम एक्सरसाइज को जब भी सॉल्व करेंगे तो ओनली हमारा फॉर्मूला से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। मैं यहाँ फॉर्मूले को प्रेप नहीं करवाऊँगा, ओनली फॉर्मूले को किस तरह लर्न करना है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इस तरह एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो ऐसे कोई प्लेन है इसके अंदर थ्री डायमेंशन में। स्टूडेंट, थोड़ा फिगर में समझने की दिक्कत आती है कि फिगर को कैसे समझे, थ्री डायमेंशन है ये, यहाँ पे इस तरह एक्स इस तरह है, जिस तरह मेरा पेन ऊपर है, और वाई एक्स इस तरह है, जेड एक्स इस तरह इस प्लेन कोई एक्स वाई जेड एक्स में कोई प्लेन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, कंसीडर ए प्लेन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, देखिए इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन वो डी है, ये कभी डी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 नहीं होनी चाहिए। इफ ओ एन इज द नॉर्मल फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिन टू प्लेन एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ओ एन अलॉन्ग ओ एन, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है, देन ओ एन वेक्टर इक्वल डी दिस डिस्टेंस, और एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा। लेट पी एनी पॉइंट है, पी इस प्लेन पर कोई पी एनी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड कैसे है आर्बिट्री कोऑर्डिनेट, देयरफॉर एन पी इज परपेंडिकुलर ओ एन, एन पी इज परपेंडिकुलर ओ एन, ये आपस में परपेंडिकुलर है एन पी और ओ एन। तो हम जानते हैं जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो यार स्टूडेंट, जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो हमें पता है ओ एन क्या है, डी ओ एन हमने पहले फाइंड कर दिया, डी डॉट एन वेक्टर है, डी एन कैप है, और एन पी क्या है पोजिशन वैक्टर पी माइनस पोजिशन वैक्टर एन लिख सकते हैं हम। तो हेयर स्टूडेंट इस तरह आ जाएगा एन पी क्या है ओ एन प्लस एन पी, इस तरह हम बाई ट्राई एंगल लॉ से भी कर सकते हैं। तो हेयर स्टूडेंट मैं इस तरह लिख सकता हूँ एन पी को पोजिशन वैक्टर ओ पी माइनस ओ एन, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए आर वैक्टर माइनस डी एन कैप डॉट डी एन कैप इक्वल 0, हेयर स्टूडेंट डी नॉट इक्वल 0, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, डी को इधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 में चला जाएगा, 0 में किसी नंबर का भाग डिवाइड देंगे तो 0 आ जाएगा, पर 0 में 0 का डिवाइड देगा तो 0 नहीं आएगा क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहती है। तो हेयर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, और सो हमारे पास फाइनली एन कैप किसी भी यूनिट वेक्टर का स्वयं से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, एन कैप डॉट एन कैप इक्वल 1, सो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल डी, इट इज़ ए वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सिमिलरली स्टूडेंट हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर देते आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एन एन कैप इक्वल एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, इस तरह स्टूडेंट हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कार्टेशियन
फॉर्म फाइंड हो जाएगी हमारे पास इस तरह। ये आर वेक्टर की वैल्यू है और ये एन कैप की, किस फॉर्म में एन कैप की, ध्यान रखना एन कैप की जो वैल्यू है हमारे पास वो किस फॉर्म पे है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में इस तरह। तो हमारे पास ये कार्टेशियन ऑफ इक्वेशन फॉर्म में जो प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल डी आ गया। अब स्टूडेंट सो दैट यहाँ नोट है कि हम इस तरह इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे कैप डी इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन देन ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड, ये भी आपको लर्न होना चाहिए। इज कार्टेशियन फॉर वेयर ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डायरेक्शन रेशो और यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन है। तो इस तरह स्टूडेंट ये फॉर्मूला प्रूफ है, बट हमें एग्जाम में प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको क्या क्या लर्न होना चाहिए आगे हम अगेन एक बार रिपीट करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन फ्रॉम ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर फॉर्म क्या है स्टूडेंट, आर डॉट एन कैप इक्वल डी। अब हमें लर्न होना चाहिए कि आर वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर इस तरह, और एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर अलोंग ओ एन की वेक्टर यूनिट वेक्टर है, एंड डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट जीरो जीरो एंड प्लेन, इस प्लेन पे जीरो जीरो से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है डी। कार्टेशियन फॉर्म आपको लर्न होना चाहिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल डी, इसको एक हेयर स्टूडेंट एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, डी डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन पॉइंट एंड प्लेन है। हेयर स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी फॉर्म में लिख सकते हैं, वहाँ पर क्या होगा ए बी सी डायरेक्शन रेशो। तो आपको दोनों इक्वेशन लर्न होना चाहिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी, हेयर ए बी सी डी क्या है डायरेक्शन रेशो और यहाँ डायरेक्शन कोसाइन है, तो आपको दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी, इसकी बाद में हम यूज करेंगे तो आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एन कैप के, कोई प्लेन है वो एन कैप एन वेक्टर के तो क्या है परपेंडिकुलर, एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए एक्स वन वाई वन जेड वन से पास हो रहा है, या हमारे पास ये भी मिल सकता है ए वेक्टर इसके पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर इक्वल ओ ए एक्स एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप एंड जेड वन के कैप। तो स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल जीरो, वेयर आर वेक्टर इक्वल पोजिशन वेक्टर ऑफ पी क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, हेयर स्टूडेंट एक्स वन वाई, ये आपको लर्न होना चाहिए कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है। आप स्टूडेंट जब भी इक्वेशन फाइंड पूछा जाए आपसे कार्टेशियन फॉर्म या वेक्टर फॉर्म, तो आपकी इजी है, या तो वेक्टर फॉर्म फाइंड कर लो उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करके वेक्टर फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें स्टूडेंट ये लर्न होना चाहिए कि यहाँ ये किससे पास हो रहा है, ये वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन ए वेक्टर से पास है, इस पर परपेंडिकुलर है, हेयर एक्स वन वाई वन जेड वन से तो पासिंग थ्रो है और ए बी सी डी क्या है इसके डायरेक्शन रेशो है। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, जब एक वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, सपोज ये एन वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और सेम ए से पासिंग थ्रो है, ए पी ये प्लेन पर कोई वेक्टर है, अब ए पी और ये एन वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे है, तो परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो ए पी को क्या लिख सकते हैं पोजिशन वेक्टर पी माइनस पोजिशन वेक्टर ओ एन कैप। तो इस तरह हम आर माइनस ए प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हुए और ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको लर्न होना चाहिए कि कोई वेक्टर कोई प्लेन एक्स वन वाई वन जेड वन से तो पास हो रहा है और क्या है ए बी सी डी, ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशो है। नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट, कोई प्लेन थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट से क्या हो रहा है पास, पास का मतलब गुजर रहा है,
एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। तो उसकी बहुत सिंपल एक इक्वेशन है, यहाँ हम एक्स वन लिख देते हैं, यहाँ वाई 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 वन, यहाँ जेड वन जेड वन, इधर एक्स एक्स टू एक्स थ्री, वाई वाई टू वाई थ्री, जेड जेड टू जेड थ्री। इस तरह आपको लर्न होना चाहिए, ये बहुत सिंपल है लर्न करना। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ इसको, लर्न कैसे करना आपको, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। ये आपके पास थ्री पॉइंट है, सबसे पहले एक आर्बिट्री पॉइंट ले लो एक्स वाई जेड, बहुत सिंपल है। उसके बाद इसमें से एक्स वन घटा दो, वाई वन माइनस जेड वन सबट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ स्टूडेंट क्या करना, एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स थ्री माइनस एक्स वन, यहाँ वाई टू माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। और आप इसको सॉल्व करना जानते हो डिटर्मिनेंट्स को, एक्सपेंडिंग एलोंग करके या जो भी आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है उनसे हम सॉल्व कर सकें। इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट कंटिन्यूस थ्री पॉइंट नॉन कॉलिनियर पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर ए बी सी आपको गिवेन है, तो बहुत सिंपल है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी माइनस ए वेक्टर इक्वल जीरो। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, इजी फॉर्मूला, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। आर में से क्या घटाना है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डॉट किसका करना है, बी माइनस ए और बी माइनस ए और सी माइनस ए, बहुत सिंपल है। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस तरह आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ इक्वेशन ए प्लेन, मोस्ट फॉर्मूला है। सपोज कोई प्लॉन एक्स एक्स एट एक्स एक्स, यहाँ ए इंटरसेप्ट काट रहा है कट पी पर, यहाँ क्यू बी है, यहाँ सी, इस तरह इंटरसेप्ट है थ्री पॉइंट पी क्यू आर पर। तो उसका बहुत सिंपल है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल वन, ये इक्वेशन आप लर्न कर लेना, बहुत सिंपल है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बुक के अंदर है इसका प्रूफ, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। इस तरह हम इसका प्रूफ कर सकते हैं, इन द दिस सेक्शन बी सेल डेड्यूस, कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल जीरो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लेट द प्लेन ए बी सी, ए बी सी ऑन एक्स वाई जेड एक्स के साथ क्या है, ए बी सी इंटरसेप्ट कट कर रहा है रेस्पेक्टिवली, हैंस द प्लेन मीट कहाँ मिलेगा, पी ए जीरो जीरो पर, क्यू जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, आर जीरो जीरो सी पर प्लेन मिलेगा। तो स्टूडेंट एक बार तो क्या है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ रखिए एक इक्वल एक्स इक्वल ए वाई इक्वल जीरो जेड इक्वल जीरो रखेंगे तो हम क्या आएगा, ए ए ए प्लस डी इक्वल जीरो, यहाँ से ए की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए। सिमिलरली ये प्लेन किस से पास हो रहा है, इससे, तो रख दीजिए एक्स इक्वल जीरो वाई इक्वल बी और जेड इक्वल जीरो, इस तरह तो ये आ जाएगा बी इक्वल, सिमिलरली सी इक्वल ये आ जाएगा, ऑल वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ से हमारे पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल वन आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट मोस्ट है इसको लर्न कर लेना, बहुत सिंपल है, इजी है। एक्स के नीचे क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट आएगा, तो एक्स इंटरसेप्ट आपसे पूछा जाए तो कितना है, ए है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, बी, जेड इंटरसेप्ट सी। नेक्स्ट फाइव, फॉर्मूला नंबर फाइव है प्लेन की इक्वेशन क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट द पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। इस तरह आपके पास टू गिवन प्लेन है ये, और इनसे कोई पास करने वाला, इन दोनों को काटने वाला प्लेन आपको फाइंड करनी है उसकी इक्वेशन। जैसे इसकी इक्वेशन सपोज अपने पास वेक्टर फॉर्म आर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल डी वन वेक्टर, इसकी आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इक्वल डी टू वेक्टर। हेयर गिवन, इस तरह आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशनों के जो इंटरसेप्ट से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन आएगी दोनों के बीच में लैम्डा लगा दीजिए, इक्वेशन नंबर वन टू को ऐड कर दीजिए। बहुत सिंपल है, आर वेक्टर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा, आर वेक्टर डॉट एन वन प्लस लैम्डा, एन टू वेक्टर इक्वल डी वन प्लस लैम्डा,
डी टू वेक्टर वेयर लैम्डा इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट रियल नंबर। वेयर स्टूडेंट एन वन इक्वल क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, पोजिशन वेक्टर ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। एन टू इक्वल ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह स्टूडेंट ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दिया जाए इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। इस तरह स्टूडेंट अगला है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। टू प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाला कोई प्लेन आपको फाइंड करना है तो इस तरह आपको इक्वेशन मिलेगी स्टूडेंट। क्वेश्चन में मिलेगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल डी वन। हेयर स्टूडेंट ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, आपको वैल्यू मिलेगी इक्वेशन नंबर वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल जीरो इक्वेशन नंबर टू। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन है प्लेन दैट पासिंग थ्रू इंटरसेप्ट, इन दोनों प्लेनों को काटने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, दोनों के बीच में लैम्डा लगा दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस लैम्डा इक्वेशन नंबर प्लेन सेकंड। इस तरह ये हमारे पास न्यू जो प्लेन है इन दोनों प्लेनों को काटेगा उसकी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। हेयर स्टूडेंट अब लैम्डा कहाँ है, लैम्डा कैसे मिलेगा, तो लैम्डे के लिए आपके लिए टू कंडीशन और गिविन होगी क्वेश्चन में। तो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर यहाँ हमारे पास थ्री वेरिएबल है, ए थ्री कॉन्स्टेंट है, ए बी सी डी फोर, इनकी वैल्यू मिलेगी। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एनी टू कंडीशन और गिविन होगी क्वेश्चन के अंदर। इस तरह एक कार्टेशियन फॉर्म आप ये लर्न रखना है कि क्या है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन पॉइंट, इनसे पास होने वाला इन दोनों को काटने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा सेकंड प्लेन इक्वल जीरो। हियर अगेन रिपीट कर देता हूँ, लैम्डा फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आपको एनी टू कंडीशन गिवन होगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। स्टूडेंट हमने 2D के अंदर 11th क्लास में यहाँ लाइन थी, अब हमारे पास प्लेन है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन वेक्टर फॉर्म में है द कार्टेशियन द डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में पहले द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर है फ्रॉम द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या है, क्या गिवन है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल डी इज। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी वेक्टर इक्वल जीरो। इस तरह आपके पास इसको इस सपोज ये इक्वेशन आपको इस तरह मिल जाए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल डी, तो इसमें डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ मेडुलस लगा रखा, डिस्टेंस ऑलरेडी पॉजिटिव होता। स्टूडेंट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट से लेंथ फाइंड करेंगे तो एक की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन एन, तो डायरेक्ट आंसर। कार्टेशियन फॉर्म आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, या तो वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को वेक्टर इक्वेशन प्लेन की वेक्टर इक्वेशन मिलेगी तो मैं क्या, जब भी मिलेगी तो हमें इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर देना है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको इसी को लर्न करना है, कार्टेशियन फॉर्म द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन टू प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल जीरो। इस तरह आपको एक प्लेन गिवन है और इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डी इक्वल फॉर्मूला ए एक्स वन एक्स वाई जेड के स्थान पर तो ये पॉइंट आ जाएंगे एक्स वन पुट कर दीजिए, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन दिस स्क्वायर एक्स का कोफिशियंट का स्क्वायर वाई के कोफिशियंट जेड के कोफिशियंट का स्क्वायर का रूट, ये फॉर्मूला। अब स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर हमें कभी भी इस तरह की इक्वेशन नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी वन या डी। सबसे पहले हमें इस डी को इधर ले जाना, तब ये फॉर्मूला यूज करना है।
यही गलती होती है स्टूडेंट, इस डी को पॉजिटिव ले लेते हैं हम, हमें नेगेटिव लेना है। सपोज़ इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं चेंज करता हूँ तो क्या जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी वन। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, डी के स्थान पर माइनस डी वन। तो आपको जिस कंडीशन में क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवेन है उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में चेंज करते हुए आपको फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूले स्टूडेंट ऑल फॉर्मूले कंप्लीट है इक्वेशन ऑफ प्लेन से रिलेटिव। थैंक्स स्टूडेंट्स।